ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा रहिंदा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज की इस वीडियो विच अधीन सेवावां चोन बोर्ड पंजाब वालों जो अज के अलग अलग पेपर के विच पब्लिक नोटिस इंडस्ट्रियल ऑफिसर दिया 56 असामिया ते ब्लॉक लैवल एक्सटेंशन ऑफिसर दिया 61 असामिया, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर दिया 51 असामिया, यानी कि टोटल 168 असामिया का जो नोटिफिकेशन है अज दे डिफरेंट न्यूज़पेपर दे विच आया सी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी फुल जो डिटेल है विभाग की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो अज दी इस वीडियो विच असी इस असामिया के बारे पूरी डिटेल के बारे डिस्कस करांगे कि इन असामिया के लिए इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन की है और इस तुसी इस फॉर्म नू किस तरह अप्लाई करना है। इस वेले असी ऑफिशियल वैबसाइट पर हैं, तो ये लिंक थोड़े सामने है पब्लिक नोटिस एडवरटाइजमेंट नंबर 9021। तुसी इस लिंक पर क्लिक करोगे तो थोड़े को जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इनू डाउनलोड कर चुके हैं, क्लिक करांगा तो ये थोड़े सामने इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी फुल डिटेल है थोड़े सामने ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स तुसी यह स्क्रीन देख रहे हो, इसका इश्तहार प्रकाशित होने की मिति आज दी सी 20 मई 2021। इसका ऑनलाइन प्रोसैस कल तो शुरू हो जाना है 21 मई तो, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करन दी है 15 जून 2021 शाम 5 बजे तक, और फीस भरन की आखिरी डेट हैगी है 18 जून 2021। तो सब तो पहला असीं गल करते हैं विभाग का नाम ते असामी दा नां ते असामिया दी गिनती। सब तो पहला विभाग आ गया है उद्योग अते कमर्स विभाग पंजाब। इस दे विच असामिया निकली हैं उच्च उद्योगिक उन्नति ऑफिसर सीनियर इंडस्ट्रियल ऑफिसर दियाँ 56 असामिया, ब्लाक पद्धर प्रसार ऑफिसर दियाँ 61 असामिया। उस तो बाद डिपार्टमेंट है दफ्तर आबकारी अते कर कमिश्नर पंजाब पटियाला, तो पोस्ट का नाम है आबकारी ते कर निरीक्षक यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर दियाँ 51 असामिया, जो कुल असामिया साढ़े को बन जाने जी 168। उस तो बाद है इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, और बेसिक क्वालिफिकेशन सब तो पहला अगर असी असामी वन का नाम करते हैं विभाग का नाम आ गया उद्योग अते कमर्स विभाग, और जो साढ़े को पोस्ट हैगी है इस दे विच दो पोस्ट हैं, एक सीनियर इंडस्ट्रियल ऑफिसर दिया और एक है ब्लॉक लैवल एक्सटेंशन ऑफिसर दिया जो असामी है। तो इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इस दे विच ग्रेजुएशन होनी चाहिए है एनी रेकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और उस तो बाद है शुड है पास द पंजाबी 10वीं तक जिहड़ी तुहाडी मैट्रिक लैवल तक जिहड़ी तुहाडी पंजाबी जिहड़ी है वो पास होनी चाहिए है, और एक क्वालिफिकेशन तुहाडी टैक्नीकल विच भी ग्रैजुएशन हो सकती है और ग्रैजुएशन भी हो सकती है, यानी कि नॉन टैक्नीकल और टैक्नीकल दोनों की जिहड़ी है ग्रैजुएशन है वो कंसीडर की जाएगी। और नैक्सट जिहड़ी है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर की, उस दे विच है शुड है पास डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए है रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो, और इस दे नाल 120 घंटे का वर्किंग एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इनफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रेकोगनाइज इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन जो ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए है, और या उस दे कोल कंप्यूटर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे विच कोर्स जिहड़ा होना चाहिए है, या ओ लेवल दा सर्टिफिकेट जिहड़ा DOEC दा होना चाहिए है। नैक्सट जिहड़ियां कि इंडस्ट्रियल ऑफिसर दियाँ 56 असामियां ही, उन्हां विचों 18 असामियां जिहड़ियां वूमेन वास्ते रिजर्वड है 33%, और नैक्सट जिहड़ियां एक्सटेंशन ऑफिसर दियाँ 61 पोस्टां सी उन्हां विचों जिहड़ियां 20 पोस्टां जिहड़ियां वूमेन वास्ते रिजर्वड है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन
इंस्पेक्टर दियां 51 पोस्टां ही, जिन्हां विच्चों 12 पोस्टां जिहड़ियां वूमेन दे वास्ते रिजर्व है। उस तो बाद इसका जो पे स्केल है वह है जी 35,400। टैक्सेशन एंड एक्साइज इंस्पेक्टर दिया भी जो पे स्केल है 35,400 पे स्केल होएगा। उस तो बाद इन्हों की जो उम्र सीमा है जनरल श्रेणी वास्ते 18 साल तो लैके 37 साल तक, और अनुसूचित जाति या पिछड़ी श्रेणी के नाल जो संबंधित कैंडीडेट है उन्हां दी उम्र जिहड़ी है 42 साल तो होएगी, और जो राज स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट के इंप्लाई है उन्हां दी जिहड़ी उम्र सीमा है वह 45 साल तक होएगी। अगर कोई हैंडीकैप्ड कैंडीडेट है तो उन्हां दी जिहड़ी एज है उन्हां दी जिहड़ी उपरली सीमा की एज है वह होएगी 47, यानी कि 10 साल की इन्हां नूं छूट दिती जाएगी। उस तो बाद नैक्सट है फीस जो जनरल कैटागरी वास्ते 1,000 रुपये है। एस सी बी सी आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर वर्क है ई डबल्यू एस उन्हां वास्ते होएगी 250 रुपये, सबका फौजी आरक्षित वास्ते 200, और हैंडीकैप्ड वास्ते जिहड़ी फीस है वह 500 रुपया होएगी। उस तो बाद है इसकी चोन विधि, चोन विधि इस दे विच एक लिखती प्रीख्या ले जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उन्होंने आधार पर एक कॉमन जो मैरिट बनाई जाएगी, और लिखती प्रीख्या विच घट्टो घट 40% प्राप्त करने वाले यानी कि 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जोड़े है योग उम्मीदवार समझे जाएंगे, और जिन्हों की परसेंटेज 40% तो घट आएगी उन्होंने फेल या अजोग करार दिता जाएगा। इसकी अप्लाई करन दी विधि है कि सब तो पहला कैंडीडेट ssb.punjab.gov ते लिंक ते क्लिक करके तो जो मिति है 21/5/2021 तो लैके 15 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन जिहड़ा अप्लाई कर सकता है। इस लिंक ते तुसी क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करते समय बोर्ड की वैबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करेंगे तो न्यू कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो फिर सब तो पहला अप्लाई करने दी हदायतों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए निजी डिटेल भर के सेव करेंगे, जिस दे नाल यूज़र नेम अते पासवर्ड जिहड़ा जनरेट होएगा जो कि उम्मीदवार नूं उस वेले रजिस्टर्ड मोबाइल ते ईमेल राही प्राप्त होएगा। इस तो उपरांत कैंडीडेट लॉगिन करके अपनी जिहड़ी फुल डिटेल है जिहड़ी बेसिक इनफॉर्मेशन है तो वो अपना फिल कर सकता है। इस दे नाल ही उस तो बाद विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट जिमें कि मैट्रिक 10वीं जन्म मिति वाला सर्टिफिकेट 12वीं अते ग्रेजुएशन का जिहड़ा सर्टिफिकेट है वो तुसी ऑनलाइन जिहड़े है अपलोड करोगे। तो एक बार ऑनलाइन फार्म सबमिट होने जाने उपरांत उम्मीदवार उस विच किसी भी तरह की सोध या तब्दीली नहीं कर सकेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म सबमिट होने उपरांत ही फीस जमा या अदा की जाएगी। फीस तुसी ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो ऑनलाइन मोड दे राही जमा करा सकते हो, और फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वह है 18 जून 2021। और उम्मीदवार द्वारा लोड़ी फीस जमा कराने उपरांत ही ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया मुकम्मल हो सकेगी। तो फीस उपरांत यानी कि फीस जमा कराने की मिति तो 2 दिन छड़ के अगले मिति तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट डाउनलोड होएगा। जिमें कि तुसी अगर फीस एक दिन फीस जमा करा देंगे तो 2 दिन बाद जिहड़ा फॉर्म है वह डाउनलोड करके उसका प्रिंट लैके तो भविख वास्ते संभाल के रख सकते हो। इसकी जिहड़ी सारी जिम्मेवारी है वह कैंडीडेट की होएगी। नैक्सट है उम्मीदवार नूं अजोग करा देन जां पात्रता रद्द करन दीआं शर्तां। पूरी फीस प्राप्त ना होण जां निर्धारित विधि अनुसार फीस ना जमा कराने दे जिहड़ी तुहाडी पात्रता जिहड़ी है वह कैंसल हो सकती है। बिना पत्र विच अधूरी जां गलत सूचना भरन दे नाल ऑनलाइन विनय करन दी पूरी प्रक्रिया मुकम्मल ना करना
अधीन सेवावां चोन बोर्ड या किसी होर संस्था वालों अयोग करार दिता होना, लोड़ी विद्यक योग्यता उम्र राखवाकरण या भर्ती दियाँ होर शर्तां पूरियां ना होना, ऑनलाइन विनय करन दी प्रक्रिया दी थां ते किसी होर प्रक्रिया राही विनय करना, तुहाडी जिहड़ी पात्रता इस दे कारण जिहड़ी है अयोग करार दित्ती जाएगी, लिखती प्रीख्या घट्टो घट 40% अंकों तो घट अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जिहड़ी पात्रता अयोग जानू फेल करार दिता जाएगा। उपरोक्त असामियों विच चोन वास्ते विचारिया नहीं जाएगा, जिन्हां दे नंबर 40% तो घट आनगे वो उम्मीदवारां नूं अयोग करार दिता जाएगा जां फेल करार दिता जाएगा, तो उन्हां नूं इस असामियां दी चोन दे लई विचारिया नहीं जाएगा। नैक्सट पॉइंट है कि उम्मीदवार वालों हासिल किया गया डिग्री सर्टिफिकेट UGC द्वारा समय समय से जारी गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन अनुसार मानता प्राप्त संस्था यूनिवर्सिटी तो जारी किया होना ही लाजमी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर तुम वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर तुम इस चैनल के नवे हो तो चैनल सबसक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।